दोस्तों आईपीएल 2023 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की अब तक 4 मैचों में दूसरी हार हुई है। राजस्थान रॉयल्स चेन्नई की टीम को 3 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। इस हार के बाद चेन्नई टीम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और तेज गेंदबाज सिसांदा मगाला चोटिल हो गए हैं। इसका खुलासा खुद चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने किया है। उन्होंने कहा कि टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी घुटने की चोट से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ मूवमेंट में परेशानी हो रही है। चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही चेन्नई की टीम के लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि उसके साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज सिसांदा मगाला चोटिल होने के कारण 2 सप्ताह के लिए बाहर हो गए हैं। फ्लेमिंग ने बुधवार को चेन्नई की राजस्थान रॉयल्स के हाथों 3 रनों से मिली करीबी हार के बाद ये खुलासा किया। फ्लेमिंग ने कहा, धोनी घुटने की चोट से जूझ रहे हैं, जो कि आप उनके कुछ मूवमेंट में देख सकते हो। दोस्तों धोनी टूर्नामेंट शुरू होने से कई महीने पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन्होंने रांची में नेट पर अभ्यास किया था। हालांकि दोस्तों कोच फ्लेमिंग को विश्वास है कि पूर्व भारतीय कप्तान अपनी चोट को संभाल लेगा और टीम का नेतृत्व करना जारी रखेगा। दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल अपना कप को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।